हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है वैंसी एंड आशु ब्लॉग्स में। और आज है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल की जो मॉर्निंग से वीडियो स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और बस यहाँ पे लगा रही हूँ मैं कपड़े, क्योंकि कपड़े धुले रहेंगे ना तो सही रहेगा। वैसे फैलाऊँगी अभी नहीं, फैलाऊँगी तो मैं शाम को ही। ये हम लोग कल ये घड़ा लेकर आए थे, ये 8-9 लीटर का ये घड़ा है तो। और ये इसके नीचे का स्टैंड भी लाए थे, लेकिन प्रॉब्लम है ना, इसमें से पानी लीक हो रहा है। मैंने कटोरी रखी है, इतना पानी इसमें आया है, पानी दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा पानी आया है इसमें तो इसको लीक हो रहा है। और उसको वापस जाएंगे जो वापस करने के लिए, फिर दूसरा घड़ा लेकर आएंगे। लेकिन जो पानी इसका पीने का मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल ठंडा पानी। जो घड़े का पानी का स्वाद भी ना, कितना भी पीओ ना उसे पेट नहीं भरता है। फ्रिज का पानी तो उतना अच्छा लगता भी नहीं और फ़ायदा भी नहीं होता है, घड़े का पानी तो फ़ायदा भी बहुत होता है। तो इस बार हमने सोचा है ना कि मतलब फ्रिज का पानी नहीं पीना है, घड़े का ही पानी पियेंगे। तो आज शाम को जाएंगे इसको वापस करके, फिर दूसरा ले जाएंगे। अभी उसे हाथ रखा है ना तो इतना ठंडा लग रहा है, ये बहुत ठंडा हो रखा है। हमने वो टोटी वाला नहीं लिया क्योंकि ना उसमें प्लास्टिक लगा रहता है ना, तो फिर वही होता ना कि घड़ा फिर प्लास्टिक लगा हो, तो फिर हमने नहीं लिया। एक हैंडल ले लेंगे ना, जो कलछी जैसे होता है, उसको निकाल के फिर पानी ग्लास में डाल दो, तो वो वाला भी लेकर आएंगे। तो इसे आज वापस कर देंगे, शाम को जाएंगे, अभी तो बहुत धूप हो रही है। और बस यहाँ पे मैं अब बना लूँगी खाना, तो सबसे पहले वही दाल जो है चढ़ाने के लिए रख दूँगी। जब तक दाल बनेगा तब तक जो मैं अपना बाकी जो खाने की तैयारी है ना वो मैं कर लूँगी। और मैंने बस अभी चाय भी बना ली है, तो दाल रख के फिर मैं और हस्बैंड बैठ के आराम से चाय पी लेंगे। तो अभी ना हमारा जो टीवी है ना वो चल रहा है, तो हम लोग इसी बाहर वाले रूम में ही बैठ के चाय वगैरह पी रहे हैं सुबह। मतलब इस टाइम पर दिन में तो यहाँ पर नहीं बैठ सकते, बहुत गर्मी हो जाती है और यहाँ पर ऐसा कुछ बैठने वाला है नहीं। बट हम लोग फ़र्श तो साफ ही था क्योंकि मैंने सुबह ना फिनॉल वगैरह डाल के पोछा लगाया हुआ था, इसलिए हम लोग नीचे बैठ के और मैं सब्जी काट रही थी, चाय भी पी रहे थे और साथ में टीवी भी चल रही थी और हस्बैंड भी बैठे थे तो बातचीत भी हो रही थी। फिर यही कि वो भी अपना खाना वाना खा के चले जाएंगे अपने काम पे। यही सुबह शाम को थोड़ा बहुत जो टाइम रहता है, हस्बैंड वाइफ बैठ जाते हैं, अपना अपनी मन की जो बातें हैं ना वो कर लेते हैं, अच्छा भी लगता है। और बस देखिए आ गई हूँ मैं किचन में, सब्जी मैंने काट ली है। और उस दिन मैंने जो पूड़ी बनाई थी ना, तो वही कढ़ाई रखा हुआ था, तेल क्योंकि ज़्यादा था तो मैंने सोचा कि चलो सब्जी बना लूँ, फिर उसके बाद में इस कढ़ाई को धो दूँगी। और ये देखिए दाल भी बन चुका है, तो खाली कर लूँगी दाल को मैं दूसरे बर्तन में और इसी में कुकर में चढ़ा दूँगी चावल। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा लिया है सब्जी में तड़का, लहसुन मैंने काट के डाला, उसके बाद 2 प्याज काटा था, ज़्यादा नहीं बस 2 ही प्याज मैंने डाला, उसके बाद करेला डाल के नमक डाल दिया है। बाकी कुछ मसाले मैं डालूंगी लेकिन जब वो सब्जी बनने वाली रहेगी ना तो फिर मैं डालूंगी। और इधर मैं चढ़ा दूंगी चावल, तो आज रोटी नहीं बनानी है, आज दाल चावल सब्जी है, यही हमारा खाना रहेगा। और ये जो मलाई है ना, तो मैंने इसको निकाल के सुबह ही रख दिया था, सुबह जब मैं उठी थी ना जल्दी, तो अभी मैंने निकाल के रख दिया था तो नॉर्मल हो गया है। बस मैंने जैसे ही वो मखनी होती है ना मथनी, मैंने जैसे ही मथनी घुमाई तुरंत उसका घी जो निकल के ना बाहर आ गया। मतलब कुछ सेकंड का ही टाइम लगा होगा घी निकालने में, गर्मी में तो बिल्कुल भी दिक्कत होती ही नहीं है क्योंकि जो मलाई है ना बहुत जल्दी से नॉर्मल हो जाती है। अब मैं इसको अभी नहीं निकालूंगी, शाम को निकालूंगी, अभी बस मैंने इसको घी निकाल के रख दिया है। और यहाँ पे देखिए जो सब्जी है ना वो बस पक की 95% पक गई है, तो मैंने इसमें आमचूर पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के 2-3 मिनट तक पका लूँगी, तो जो सब्जी है ना वो भी हमारी बन जाएगी। और ये जो टाइम है उसी दिन का, मतलब 16 अप्रैल के शाम का टाइम है, फिर उसके बाद से तो मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं वही दिन का। और फिर ये जो कपड़े थे जो सुबह मैंने धोए थे ना, तो अब मैं इसको डाल दूंगी क्योंकि दिन में इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, अगर कपड़े डाल दो ना तो कपड़े ख़राब हो जा रहे हैं, कपड़े का रंग उतर जा रहा है, तो फिर इसीलिए ना मैं शाम को डालती हूँ और रात भर कपड़े भी बाहर ही रहते हैं, फिर मैं सुबह ले कर आती हूँ। और ये देखिए जो ये घी है ना, अब मैं घी को पका लूँगी। उसको मैंने ना, जो घी है ना उसको मैंने ना फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, फ्रिज में रखने से एक फ़ायदा और हुआ, जो इसका जैसे एक्स्ट्रा पानी वानी था ना तो वो सब भी निकल गया, सिर्फ जो उसमें है मलाई मलाई बस है इसमें।
तो उधर तो मैंने घी रख दिया है पकने के लिए, घी अभी बन रहा है, तब तक इधर हम बना लेते हैं चाय। तो आज मैं चाय में काली मिर्ची भी डाल रही हूँ, मतलब मैं कभी कभी चाय में काली मिर्च और लौंग वगैरह भी डाल देती हूँ ना, तो वो मसाला चाय बन जाती है जो कि ना बहुत अच्छी लगती है पीने में। और यहाँ पे हस्बैंड वेट कर रहे हैं कि मैं चाय कब लेके आऊँगी, तो वो टीवी देख रहे थे, यहाँ पे मैच आ रहा था तो टीवी चल रहा था। और ये हमारा शाम का टाइम है, चाय बस बन गई है और यहाँ पे मैं आराम से बैठ के मैं हिमांशु बातें करेंगे, टीवी देखेंगे थोड़ा बहुत। तो यही होता है ना, थोड़ा बहुत जितना भी टाइम मिले ना, अपना हंस बोल लो, अपना बात कर लो, मन हल्का कर लो, तो सही रहता है। हम लोग पैसों के पीछे, हर चीज़ के पीछे भागते रहते हैं ना, तो टाइम निकल जाता है, ज़िंदगी निकल जाती है। सच बताऊँ तो छोटी बड़ी खुशियों के चक्कर में ना हमारे हाथ से छोटी कितना जाने कितनी खुशियाँ हैं ना जो निकल जाती है, हमको पता भी नहीं चलता। हमको लगता है कि बड़ी खुशी अब आएगी, ये करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो भी मैंने ये सोचा कि जो भी टाइम है ना, जैसे भी अपना एंजॉय कर लो, अपना हंस खेल के रह लो, आगे का कुछ पता नहीं रहता है। भाग दौड़ आजकल इतनी रहती है कि लोग एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो बस वही है कि चिंता करने से, वो सब करने से मुझे लगता है कि अब देखो चिंता तो होती है लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता है, उसका नुकसान ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ मैंने सीखी है, बहुत लेट में सीखी है, ऐसा नहीं कि मैं पहले से ही सब सीखा हुआ, मैंने बहुत लेट से सीखा है कि चिंता करने से ना सच में नहीं कुछ होता है, बल्कि आप खुश रहेंगे ना तो ज़रूर कुछ अच्छा होगा। अगर दुखी रहो, चिंता करो, तो सच में ख़राब होता है, सब कुछ ख़राब हो जाता है, जो अच्छा वहाँ होना हो रहता है ना वो भी ख़राब हो जाता है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके ना खुश रहे, अपनी फैमिली में जितने भी लोग हैं उनसे अच्छे से हंस बोल के रहो। ज़िंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है, आजकल आप लोग देख ही रहे हो कि कब किसी को कब क्या हो जा रहा है ना, कुछ पता नहीं है। तो चलिए अब देखिए, अभी मैं सब्जी ही काट रही थी कि ये मेरा जो चॉपर था ना वापस कर दिया था, तो एक्सचेंज किया था मैंने, तो ये दूसरा उन्होंने भेजा है, मैं खोलती हूँ। उस वाली जो चॉपर मंगवाया था ना, ये भी वैसी था, सेम वैसे था वो भी, लेकिन उसके लिए डोरी है ना खराब हो गई थी, तो मैंने एक्सचेंज कर दिया था, दूसरा आ गया। चलो इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इस चॉपर को वॉश कर लेती हूँ। और ये जो वीडियो है ना, ये 17 अप्रैल का मॉर्निंग का वीडियो है, तो बस चॉपर मेरा आ गया था तो पहले इसको वॉश कर ली। वैसे चॉपर है तो बहुत अच्छा, लेकिन पिछली बार ना इसकी जो डोरी है ना वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने एक ही दिन में ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसको वापस कर दिया। इस बार देखते हैं कि कितने दिन चलता है। तो बस यहाँ पे चॉपर को मैंने धो लिया है। और ये प्याज देखिए, मैंने काट के तो रखा हुआ था, लेकिन मतलब छील के रखा हुआ था, मैंने काटा हुआ नहीं था, तो मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में जो किए ना उसको काट दिया है। अब इसको हम चॉप करते हैं चॉपर में। तो बस कुछ ही सेकंड का टाइम लगा और मैंने प्याज को ना इसमें चॉप कर दिया। और देखिए इतना बारीक कटा है ना, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा ना कि बस मैं इसमें प्याज टमाटर वगैरह मैं काटती रहूँ, इतना काटने में भी इतना अच्छा लग रहा, और इतनी फाइन चॉपिंग हो रही है, बिल्कुल बारीक चॉपिंग, मतलब जैसी चॉपिंग चाहिए ना वैसे ही इसमें चॉपिंग हो जा रही है, और बहुत ही अच्छे से ना बारीक बारीक कट। यहाँ बस ध्यान इस बात का इस ब्लेड का देना है, ये ब्लेड बहुत ज़्यादा शार्प है, तो जो वॉश करते हुए यूज़ करते हुए इसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए अब लगा लेते हैं सब्जी में तड़का। तो मैंने आज शिमला मिर्च और आलू की सब्जी ना वही बनाऊँगी, और मैं बनाऊँगी रोटी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी में तेल डाल दिया है, उसके बाद मैं राई का तड़का लेके सब्जी बनाऊँगी। तो मैंने राई डाल के ना मैं कढ़ाई को ढक देती हूँ, नहीं तो राई जब चटकती है ना तो पूरे किचन में गैस पे हर जगह चिपक चिपक जाती है और वो छूटती भी नहीं है जल्दी से। तो देखिए मैंने राई को ढक के चटका लिया, उसके बाद जो बारीक बारीक जो प्याज काटे थे ना ये डाल दिया है, और मुझे तो मन करा कि खूब सारी 2-3 किलो प्याज मैं ऐसे चॉप कर दूँ, तब मज़ा आ रहा था चॉपिंग से, चॉप करने में।
तो उसके बाद से फिर जो प्याज को बहुत अच्छे से मैंने भून लिया, फिर मैंने शिमला मिर्च और आलू डाल दिए। और मैं बहुत टाइम बाद शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बना रही हूँ। फिर उसके बाद नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया। और सब्जी को मैंने फिर अच्छे से ना 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से भून लिया था। फिर मैंने बहुत ही थोड़ा सा पानी डाला है ताकि सब्जी ना अच्छे से गल जाए, पानी इसमें रहेगा नहीं, पानी जो है ना इसका सूख जाएगा। और बस यहाँ पे मैं बना लूँगी रोटियाँ, तो जो हमारा खाना है ना वो बन जाएगा। और आजकल मैं आटे को ना 5-6 मिनट तक गूँथती हूँ, उसके बाद ढक के 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। आटा इतने अच्छे से सेट हो जाता है ना और मेरा टाइम भी बच जाता है, नहीं तो आटा गूँथने में तो कितना टाइम लग जाता है। तो सब्जी हमारी बन गई है, अब मैं इसको ना खाली कर लूँगी, छोटे बर्तन में रख लूँगी। और जो बर्तन वगैरह है ना अभी मैं धो के इसको भी साथ ही साथ रख दूँगी। तो मैं जब खाना बनाती हूँ ना तो कभी कभी ही होता है कि मैं बर्तन नहीं खाली करती हूँ, ज़्यादातर मैं उसी टाइम पे ना खाने को छोटे बर्तन में रख के जो बड़ा बर्तन होता है ना धो देती हूँ, ताकि ना किचन भी खाली रहता, सिंक भी खाली रहता है, ज़्यादा बर्तन रहते नहीं धोने के लिए। और बस गैस को भी उसी हाथ लगे हाथ साफ़ कर दूँगी, तो फिर मेरा जो किचन का काम है ना ये भी हो जाएगा। और गैस को मैं एक दिन में ना जितनी बार भी कुछ भी बनाती हूँ ना, तो चाय भी अगर मैं बनाती हूँ तो भी कपड़ा एक बार ज़रूर ऐसे मार देती हूँ ताकि जो गैस वगैरह है ना साफ़ रहे। और ये जो सिलेंडर है ना, बहुत लोग इसे बोलते हैं कि दीदी आपने सिलेंडर बाहर क्यों रखा है, अंदर क्यों नहीं रखा, तो इसलिए अंदर ना सारे सेल्फ बने हुए हैं, सिलेंडर रखने की जगह ही नहीं बनी हुई है। अच्छा तो नहीं लगता ऐसे बाहर रखना, मैं भी चाहती हूँ कि अंदर रखूँ, बट हमारा घर तो है नहीं, जिन्होंने घर बनाया है ना तो उन्होंने अंदर रखने का ऐसा कुछ बनाया नहीं है, इसलिए इसको ना बाहर ही रखा हुआ है। और ये देखिए इतना है जो कि घी निकला है, इसको मैंने अलग ही डब्बे में रख दिया है। ये देखिए गाय का प्योर घी, ये वाला घी पहले यूज़ करेंगे, ख़त्म हो जाए, क्योंकि पुराना घी है ना तो थोड़ा सा नीचे ना ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है, तो सोच रही इसमें अगर डालती ना तो ख़राब हो जाता। और ये देखो क्या हुआ, ये ना टूट गया, ये मुझसे नहीं टूटा, मेरे हस्बैंड से ये टूट गया है, ये इसका ढक्कन। तो फिलहाल तो मैंने इसका यूज़ ही किया है क्योंकि इसमें और कोई ढक्कन लगेगा नहीं, तो यही लगता है, इस वजह से मैंने इसको रखा है। तो ये पहले जब घी ख़त्म हो जाएगा तब तक ये वाला घी, तब तक ये ना भर जाएगा फिर। और कलर देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लगा, देखो फ्रेश घी में ना कितना फ़र्क होता है, फ्रेश घी है और ये कुछ महीने का पुराना घी है, तो सामने डिफरेंस कितना आ रहा है। और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। घर का काम धाम सब कुछ निपटा दिया मैंने और अभी 1:30 बजे करीब का जो है ना टाइम हो रहा है। और यहाँ पे ना इतना लू चल रहा है, इतनी गर्म गर्म हवा आ रही है, फ़ैन की हवा तो एकदम गर्म लग रही है, एसी हमारा गया है बनने के लिए। और वो जो मैं मॉल गई थी ना तो मेरा काम हो गया था, अगर वो बिल नहीं मिलता ना तो 10-12 हज़ार रुपये जो कि ना लगाने पड़ते एसी में। और अभी ये है कि 1500 या 2000 में जो कि हमारा काम हो गया है, मतलब हो जाएगा अभी एसी में, शायद हफ्ता 10 दिन लग जाएगा बन के आने में, कंपनी वाले लेकर गए। और देखिए मैंने काटा है खीरा, अभी आजकल जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है ना तो मैं खाना खाने से पहले ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खीरा वगैरह खा लूँ। खीरा क्या होता है ना, बॉडी में ठंडक भी देता है और अच्छा भी होता है, पानी की कमी ना उसको भी दूर करता है, तो इसलिए मैं खाना खाने से पहले ना कम से कम एक खीरा तो खा ही लेती हूँ। और आज मुझे जाना है डॉक्टर के पास, वही जो एक बार आपको वीडियो में दिखाया था आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर है ना, वहाँ मुझे जाना था, लेकिन उस दिन तो गाड़ी का इंतजाम नहीं हो पाया था, आज शायद इंतजाम हो गया है। एक आंटी है ना उनको भी जाना है डॉक्टर, उसी डॉक्टर के पास उनको भी जाना है, तो उन्हीं के साथ हम लोग भी चले जाएंगे, मतलब मैं और हिमांशु। और हमारे पास तो कार है नहीं, तो फिर ऐसे ही इंतजाम और जुगाड़ करके करना पड़ता है, क्योंकि हमें जहाँ जाना है वो 2 घंटे की दूरी पे है और बाइक से तो हालत ख़राब हो जाएगी, ऊपर से इतनी लूप इतनी गर्मी में। तो बस हिमांशु भी आएंगे तो हम लोग लंच करके फिर चले जाएंगे वहाँ पर।